अमेरिका के अंदर भी दिल्ली सरकार के स्कूल आज प्रसिद्ध हैं। एक मौका दे दो, अमेरिका, कनाडा, लंदन, सारी जगह पंजाब के स्कूल देखने आएंगे, फिर वहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री। तो अड्डे पठानकोट दे स्कूल देखने आएंगे सारे जने। मेरी आज की दूसरी गारंटी, हम आज शहीदों की धरती पे खड़े हैं। बहुत लोगों ने शहादत दी है, लेकिन हमारा कोई सैनिक शहीद हो जाता है उसके बाद उसका परिवार रुल जाता है, सरकारें कुछ नहीं देती उसको। दिल्ली में हमने स्कीम बनाई है, जब से हमारी सरकार आई 7 साल से हमने स्कीम बनाई है, अगर दिल्ली में रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान ऑपरेशन में शहीद होता है, उसके परिवार को शहादत के बाद दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। पंजाब में भी आज मैं पठानकोट की धरती से ऐलान कर रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी, अगर पंजाब का कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या पंजाब पुलिस का कोई भी जवान किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाए। पिछले कुछ दिनों से चन्नी साहब मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं, मोटी मोटी गालियां दे रहे हैं। जब से मैंने ऐलान किया कि मैं हर महिला को 1000 रुपए महीना दूंगा, तो अभी थोड़े दिन पहले चन्नी साहब बोले केजरीवाल तो कपड़े बहुत खराब पहनता है, केजरीवाल बड़े सस्ते कपड़े पहनता है। बोले कोई केजरीवाल को 5000 रुपए दे दो, ये कपड़े अच्छे पहन लेगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, चन्नी साहब, मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ मैं खुश हूँ, लेकिन 1000 रुपए जो मैं अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को दूंगा, उससे अगर वो अपना सूट खरीद के नए सूट पहनेंगी तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। अज पंजाब वो सड़ रहा है, अज पंजाब जड़ा वह बिल्कुल खा लिया लुट के इन्होंने। 4.5 साल कैप्टन साहब की सरकार, वो घरों नहीं निकले। हूँ पिछले 2 महीनों तो चन्नी साहब आए ने, वो कल्ले ऐलान मंत्री ने, कल्ले ऐलान करते ने, अमल नहीं करते। सो वीरो सानू, असी साहब सिर्फ पंजाबियों ने 2 महीनों का नहीं लेना कांग्रेस तो, साहब 5 साल का लेना है। घर घर नौकरी देने का वादा किया, इन्होंने कर्जे माफिया के वादे किए, स्मार्टफोनों के वादे किए। सो वीरो ये हुण सारा पंजाब रंगता इन्होंने के आ गया चन्नी, आ गया। पहला भी चन्नी इत्थे सी, जदों कैबिनेट दे विच सी, जदों लुट्टिया जा रहा सी पंजाब, उदों भी वह कैबिनेट दे विच मंत्री सी। हर गल जिहड़ी है, हर गल वह जिहड़ी है पबलिसिटी करते हैं। धन्यवादियां जिहड़ियां चल रही ने ये बहुत ही देर की चलनियां, क्योंकि लोग समझ चुके ने कि सिर्फ ड्रामे चल रहे। पिछले कई दिन से स्कूल को लेके बातचीत हो रही है। चन्नी साहब कहते हैं कि पंजाब के स्कूल कांग्रेस सरकार ने 5 साल में देश में नंबर 1 बना दिए। आप मानते हो इस बात को? वो कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल कांग्रेस सरकार के 5 साल में देश में नंबर 1 बन गए। मानते हो आप इस बात को? मैं भी कल तक सोचता था हो सकता है हो गए हो, पर कल मैं पंजाब के सरकारी स्कूल देखने गया। मैंने सोचा कि चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा में देख लेते हैं। मैं पहले स्कूल में गया, वहां पे पहले 70 बच्चे पढ़ते थे, स्कूल की हालत इतनी खराब हो गई, अब 30 बच्चे रह गए, 40 बच्चों के माँ बाप ने वहां से नाम कटा लिया। क्यों? टॉयलेट खराब पड़ा है, कमरे में जाले लगे हुए हैं, चारों तरफ में हाहाकार मचा हुआ है, दीवारें देखो डेंट पेंट सब खत्म, रोती हुई दीवारें, बदबू आते टॉयलेट, पीने का पानी नहीं, और एक टीचर 5 क्लास पढ़ाने के लिए एक टीचर, और उस टीचर को भी तनख्वाह दी जाती है 6000 रुपए।
6,000 रुपए में 5 क्लास पढ़ाने के लिए पूरे स्कूल को चलाने के लिए केवल एक टीचर 6,000 रुपए की तनख्वाह में, 6,000 रुपए की तनख्वाह में तो सामने की मिठाई वाले में मिठाई वाले से भी ज्यादा मिल जाए, उसको भी ज्यादा मिल जाते होंगे। अब एक दो महीने की बात और है, एक दो महीने की बात और है, इस बार आपको इन स्कूलों के ताले भी खटाएंगे और जाले भी हटाएंगे।